नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जोनल आईजी विनोद कुमार पहुंचे नवगछिया, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। भागलपुर में अपराधी हुए बेलगाम, उर्दू बाजार इलाके में दिन दहाड़े बमबाजी से लोगों में दहशत। एआईजी पंकज राज ने सीडीएस का किया निरीक्षण, प्रशिक्षुओं को अनुसंधान के बारीकियों की दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, कई विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर चेयरमैन ने व्यक्त की नाराजगी। और 17 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बांका एसडीओ ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को जोनल आईजी विनोद कुमार नवगछिया पहुंचे, जहां एसपी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी ने एसपी कार्यालय में एसपी निधि रानी, एसडीपीओ परवेंद्र भारती एवं नवगछिया पुलिस जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आईजी ने नवगछिया में बढ़ते अपराध को लेकर क्राइम कंट्रोल के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही रात्रि गश्ती तेज करने, मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई केसों का रिव्यू किया। रिव्यू करने के लिए आए थे, क्राइम वगैरह को रिव्यू करने के लिए। सर, और कुछ विशेष कई क्षेत्र दौड़ाए सर क्या? नहीं, क्षेत्र। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भागलपुर उर्दू बाजार काली मंदिर के समीप बमबारी से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तातारपुर थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बम के अवशेषों को जब्त कर घटना के जांच में जुट गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि उर्दू बाजार निवासी राजकुमार मंडल से कुछ लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें दो आरोपी राजा राम और अभिमन्यु यादव जेल में है। केस कंप्रोमाइज को लेकर अपराधियों के द्वारा बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया। स्थानीय कोचिंग संचालिका डॉक्टर संध्या यादव ने कहा कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग काफी भयभीत हो गए। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल सभी आरोपियों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्या हुआ था? ऊपर हम क्लास ले रहे थे, हमारे क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए थे, क्लास चल रही थी, लेकिन आवाज हुई तो मुझे लगा गोली फटा है, तो फिर बोले शांत रहो, पढ़ो। उसके बाद फिर दोबारा तिवारा हुआ तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी यहाँ लगी हुई है, मेरा गाड़ी ब्लास्ट कर गया। सारे बच्चे भागने लगे तो फिर मैंने माइकिंग किया कि सभी बच्चे शांति से बैठो, भगदड़ मच जाएगी तो इसमें जान हानि हो सकता है, तुम लोग शांति से बैठो, देखा जाएगा क्या है नहीं है। उसके बाद जो शुक्रवार को भागलपुर नाथनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने एआईजी पंकज राज सीटीएस पहुंचे, जहां इंडोर पीटीसी एवं टीसी का निरीक्षण किया। इस दौरान एआईजी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए सुबह समय पर फिजिकल ट्रेनिंग और ध्यान से पढ़ाई कर अनुसंधान की बारीकियों को समझने की बात कही। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एएसआई ने आईजी को बिजली, पानी और चिकित्सक नहीं होने के कारण हो रही परेशानियों से अवगत कराया, जिसके बाद एआईजी ने सीटीएस के प्राचार्य विजय प्रसाद से सभी समस्याओं को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। भागलपुर जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन सा की अध्यक्षता में सामान्य बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में डीडीसी सह कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार की मौजूदगी में जिला परिषद की ओर से होने वाले विकास कार्य और पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने को लेकर चर्चा हुई। जिला परिषद सदस्यों ने सदन से किसी भी नए एजेंडे पर चर्चा करने के बजाय पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप होने वाले कार्य की समीक्षा करने की मांग अध्यक्ष और डीडीसी से की। बैठक में अधिकारियों के बदले प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होने पर चेयरमैन के साथ जिला परिषद सदस्यों ने आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि अधिकारियों का बैठक में नहीं पहुंचना त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और सदन का अपमान करना है और सदन इसका विरोध करती है। जीप अध्यक्ष ने कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को लेकर कई विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और जनता के कार्य के लिए पैसे लेकर कार्य करने और आम लोगों को प्रताड़ित करने की बात कही। साथ ही डीडीसी से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार आलोक, अरविंद मंडल, गौरव राय समेत कई सदस्यों ने अधिकारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिलने की बात कही।
इसके अलावा जिला परिषद की खाली जमीन और दुकान पर अवैध कब्जा का मुद्दा भी सदन में गूंजता रहा और इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और अधिकृत लोगों को दुकान का आवंटन करने की बात कही, जिस पर डीडीसी ने संचिका पंजी मंगवाकर जांच की। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डीईओ मधुसूदन पासवान, कृषि विभाग, अभियंत्रण विभाग, पीएचडी, बिजली विभाग एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि और जिला परिषद के सभी सदस्य कर्मी मौजूद थे। 17 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को बांका एसडीओ मनोज कुमार चौधरी और एसडीपीओ मदन कुमार आनंद ने कावरियापति स्थित अवरखा सरकारी धर्मशाला में बैठक की। बैठक में क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों एवं सेवा शिविर संचालकों से एसडीपीओ मनोज चौधरी ने कहा कि श्रावणी मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए पर्याप्त तैयारी की जाएगी, जिसको लेकर बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि सभी दुकान के सामने कूड़ेदान रखना होगा ताकि कांवरिया पथ अतिक्रमण मुक्त रहे। साथ ही दुकानों में अश्लील नृत्य, बाल श्रम और दुकानों में घरेलू सिलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं एसडीपीओ आनंद कुमार ने कहा कि पूरे कावरिया क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रहेगी। बैठक में कटोरिया, बेलहर और चांदन के सीओ, वीडियो, थाना अध्यक्ष एवं सेवा शिविर संचालक मौजूद थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा तिथि में बदलाव किए जाने के बाद सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए। दरअसल कला संकाय स्नातक की परीक्षा 28 जून को होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर परीक्षा की तिथि 27 जून कर दिया था, जिसकी जानकारी सैकड़ों परीक्षार्थियों को नहीं मिली। जब छात्रों को सूचना मिली कि परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो दर्जनों छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और हंगामा कर फिर से परीक्षा तिथि जारी करने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र सहा ने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय परिषद प्रो वाइस चांसलर और कंट्रोलर साहब मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत लड़कों का छूट गया, जेन्युइन रीजन अगर है तो उस पर विचार करके परीक्षा बोर्ड कोई निर्णय करेगी या अभी हम लोग बैठ के कोई निर्णय करेंगे, और अगर छात्रों की गलतियां नहीं हैं तो विश्वविद्यालय उस पर सकारात्मक रूख अपनाएगी, और छात्रों को अगर परीक्षा फिर लेने की बात होगी तो हम लोग उसकी सूचना वेबसाइट पर दे देंगे। इसलिए छात्रों को ये सूचित किया जाता है, विश्वविद्यालय वेबसाइट जरूर डेली देखें, न्यूज़पेपर से भी अपडेट रहें, चूँकि परीक्षा जो बदला गया था एक माह के पूर्व बदला गया था, फिर भी छात्रों की परीक्षा छूट जाना ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब छात्र या तो कॉलेज नहीं जाते हैं या पेपर नहीं पढ़ते हैं या वेबसाइट नहीं देखते हैं, तो हर छात्र को इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। अगर कभी कोई प्रोग्राम परीक्षा का निकलता है तो उन्हें कॉलेज में उसको दिया जाता है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में रहता है, इसलिए वेबसाइट को तो जरूर देखें, रोज देखें, नित्य प्रति। वहीं नवगछिया में तिथि बदले जाने के कारण कई छात्र परीक्षा से वंचित हो गए, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश देखा गया। हम लोग जो कॉलेज से आए थे एडमिट कार्ड उठाने के लिए, उस समय हम लोग का चार्ट 56 सटा हुआ था, जो हम लोगों ने रूटिंग मोबाइल से फोटो खींच के रखा हुआ था। उस समय था हम लोग का 28 को इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला था। हाँ। तो बाद में फिर आप लोग 28 को गए आज परीक्षा देने के लिए। 25 को हम लोग ने जीके जीएस का एग्जाम दिया। हाँ। उसके बाद फिर
26 को तो था नहीं, 27 था नहीं, हम लोग का 28 का एग्जाम था, तो हम लोग 28 को हम अपने समय पे निर्धारित समय पे पहुंचे एग्जाम देने के लिए हॉल, तो मदन नहीं लिया। तो वहाँ पे जाने के बाद हमको पता चलता है कि कल आप लोग का एग्जाम हो चुका था। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से भागलपुर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शुक्रवार को जोगसर थाना पुलिस ने खलीफाबाग चौक के समीप थाना अध्यक्ष विश्व बंधु कुमार के नेतृत्व में वाहनों की सघन तलाशी ली। चेकिंग के दौरान दर्जनों बाइक चालकों से जुर्माना वसूला गया। बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों को जवानों ने हेलमेट पहनने की बात कही। चेकिंग अभियान के दौरान कई युवक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। चेकिंग अभियान के दौरान कई युवक पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसको जवानों ने खदेड़ कर पकड़ा। भागलपुर बरारी वाटर वर्क्स तालाब में मरी हुई मछलियां पाई गई। पिछले दिनों भी वाटर वर्क्स तालाब में बड़ी मछलियों के मरने की सूचना मिली थी, लेकिन विभाग ने इस पर तत्परता नहीं दिखाई। मछलियों के मरने से तालाब दूषित हो रहा है और तालाब के पानी की सप्लाई पूरे शहर में की जाती है। एक ओर जहां लोग लगातार जल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं इस प्रकार से लोगों के घरों में दूषित पानी की सप्लाई होने से बीमार पड़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। पूर्व में भी कई बार तालाब में मृत मछलियाँ पाई गई थी, जिसके बाद सप्लाई पाइप में जाली लगा दिया गया था, लेकिन फिर से मृत मछलियाँ का मिलना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि पैन इंडिया के इंजीनियर ने तालाब के पानी की जाँच की बात कही है। नवगछिया के गोपालपुर में 10 वर्षीय बालक की सर्पदंश से मौत हो गई। मृतक की पहचान लतरा निवासी राम जतन यादव के पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक प्रीतम घर के समीप खेल रहा था, इसी दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद परिजन बाइक से प्रीतम को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार विधानसभा 2020 को देखते हुए टीम अभिमन्यु के राष्ट्रीय संरक्षक अभिमन्यु यादव शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने और युवाओं को चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही। अभिमन्यु यादव के भागलपुर पहुंचने पर युवा नेता आनंद यादव ने अपने समर्थकों के साथ जीरो माइल चौक पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद अभिमन्यु यादव बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और बाबा बूढ़ानाथ के दर्शन किए। दरअसल टीम अभिमन्यु का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जा रहा है और उसी को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राम कृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए भागलपुर पहुंचे और युवाओं में जोश भरा। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जोनल आईजी विनोद कुमार पहुंचे नवगछिया, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। भागलपुर में अपराधी हुए बेलगाम, उर्दू बाजार इलाके में दिन दहाड़े बमबाजी से लोगों में दहशत। एआईजी पंकज राज ने सीडीएस का किया निरीक्षण, प्रशिक्षुओं को अनुसंधान के बारीकियों की दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, कई विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर चेयरमैन ने व्यक्त की नाराजगी। और 17 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बांका एसडीओ ने की बैठक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।